सहज अपर एकलव्य आवासीय विद्यालय में प्राचार्य के खिलाफ सभी शिक्षक लामबंद हो गए हैं। शिक्षा के मंदिर में शराब के नशे में धुत होकर शिक्षकों को प्रताड़ित करने, शराब, चिकन और पैसों की मांग करने के आरोप लगाते हुए शिक्षकों ने कलेक्टर से प्राचार्य की शिकायत की है। पैसा नहीं देने पर प्राचार्य नौकरी से निकालने और वेतन में कटौती करने की बात कहते हैं। दो शिक्षकों ने शोषण का विरोध किया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, जिसके कारण सभी शिक्षक डरे हुए हैं। प्राचार्य किसी भी वक्त शिक्षकों के कक्ष में पहुंचकर अभद्र व्यवहार करते हैं, जिससे परेशान अतिथि शिक्षकों ने प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग की है। सर, हम लोग एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का है, हम सभी अतिथि शिक्षक हैं। वहाँ नवंबर से कार्यरत है और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनका आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक बहुत मेरिट बेस पे वहाँ उनका चयन हुआ है। कांकेर जिले के भी कुछ लोग हैं और आसपास धमतरी जिले के भी हैं, तो 14 में 2 को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जहाँ शराब की मांग करते हैं, पैसे की मांग करते हैं, शराब पीकर विद्यालय आते हैं। ऐसे प्रचार को तत्काल प्रभाव से जो है निलंबित की जाए, यह हमारी मांग है। रायपुर जबलपुर नेशनल